तो जो टॉपिक आज के लिए है वो है हमारा यहाँ पे बोर्स का बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स की थ्योरी जो है हाइड्रोजन एटम के लिए, उसने जो थ्योरी दी वो तो हमारे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे उस थ्योरी के बेसिस पे उसने ये भी बताया कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन तो सबसे आपके सबसे कम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है वो वाला है, लेकिन अगर उसके अलावा और भी अलग अलग अगर एटम है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन किस किस रेडियस पे वो रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में उसने बताया। तो वो रेडियस निकालने के लिए उसने बताया कि रेडियस कैसे निकाला जाए। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि रेडियस कैसे निकालते हैं। ये है आपका, ये आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कैसे लिखा आपने, जेड ई से, ठीक है। और यहां पे है इलेक्ट्रॉन, सेंटर में है न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो एक चार्ज आपके लिए क्या हो गया, एक चार्ज आपके लिए हो गया क्यू वन इक्वल टू प्लस जेड ई। अच्छा, दूसरा चार्ज क्या हो गया, Q2 इक्वल टू माइनस ई। ये चार्ज हो गया, दो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का है और एक उसके न्यूक्लियस का है। लेकिन जब ये दोनों चार्ज की बात करते हो आप, तो कूलम्स लॉ तो आपने पढ़ा ही है ना। कूलम्स लॉ में क्या होता है, कूलम्स लॉ में ये होता है कि भाई दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है, तो आप फॉर्मूला लगाते हो न्यूटन, ये कूलम्स का लॉ। कूलम्स का लॉ क्या बताता है कि फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको डिराइव करना तो है नहीं, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको आप कूलम्स का लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे तो लग ही रहा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उस हिसाब से आप उस फॉर्मूले के बेसिस पे यहां पे एफ इक्वल टू आप लिखो के जेड ई इंटू ई अपॉन में, अगर इसकी रेडियस आपके पास आर दी हुई है तो इसके रेडियस क्या आप आर स्क्वायर ये वैल्यू आप डाल दो। अब दूसरी चीज यहां पे क्या है आपके पास, दूसरी चीज क्या है कि चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे आपका लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी से मैं अगर इसको दिखा दूं, एफ सी से मैं अगर इसको दिखा दूं सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो एफ सी से अगर आप दिखाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब दोनों फोर्स हैं, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। और जब ये दोनों फोर्स अगर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो अपने फिक्स पाथ पे ही रिवॉल्व करेगा। तो ये इसका पाथ होगा वो जिस पे वो रिवॉल्व करेगा। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं देखता हूं कि इसके लिए हमें क्या करना है। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर। दोनों को हम इक्वेट करेंगे।